हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। सीजीएल 2024 की जो हमारी डेली टारगेट सीरीज स्टार्ट हुई है, उसका आज हमारा डे फोर है, और डे फोर में आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है। अगर आप डे वन, डे टू, डे थ्री को कंप्लीट करके आए हो, अगर आपका पहले 3 दिन का टारगेट कंप्लीट नहीं है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा। आप उन तीनों वीडियो को देखो, सबसे पहले वो टारगेट लिखो अपनी कॉपी में, उन्हें कंप्लीट करो, एंड देन डे फोर पे आओ, ठीक है? और ये आप धीरे धीरे जब करोगे टारगेट, तो हमारे बीच में रिवीजन डे होंगे, कुछ दिन में हम गैप देंगे बीच में रिवीजन के लिए, तो उनमें जो है आप कवर करके वापस हमारी जो प्रेजेंट टारगेट सीरीज है उसको आप कैचअप करने की कोशिश करना। तो आज के डे फोर के टारगेट पर चलते हैं। तो उससे पहले एक लाइन कहूँगा कि अगर टारगेट सीरीज से जुड़े हो तो हार मत मानना। अगर बीच में छोड़ दिया, इसका मतलब ये होगा कि आप वापस से वही लापरवाही कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन बार बार रुक जाता है। तो इस बार कोई लापरवाही की गुंजाइश ना रहे, साथ में रहना, बने रहना, सब कुछ तैयार करवा देंगे, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे जो वीडियो आए टारगेट सीरीज से रिलेटेड, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। सबसे पहले कैलकुलेशन पे बात करते हैं। अभी तक 1 से 25 तक की हमने टेबल याद करने को दी थी आपको, जिसमें आपने टेबल याद की। अब मैं कह रहा हूँ कि 1 से 25 तक आपको टेबल तो आपने याद कर ली, अब आपको प्रैक्टिस करनी है मल्टीप्लिकेशन की, कि इस टेबल को हमें अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हम आज टू इंटू टू मतलब दो डिजिट इंटू दो डिजिट पे कमांड करेंगे कि किस तरह से टेबल आपको वहाँ हेल्प करेगी। तो लाइक एक एग्जांपल देख लो। लाइक मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको मल्टीप्लाई करना है 18 × 23। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप इस 18 × 23 को? 18 × 3 = 54, 5 18 × 2 = 36 और 5 = 41। अब मैंने ये आपको बताने के लिए मैंने बोला है 18 × 3 = 4, 5, आपको बोलना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। लाइक मैं दे हूँ, जैसे मान लो मैं दे रहा हूँ आपको कि 19 × 24, ठीक है? तो आपको जस्ट ये देखना है कि 19 × 24 है तो ये क्या आएगा, 6, 7 और ये लो 456। कैसे? 19 × 4 = 6, 7 19 × 2 = 38 और 7 = 45, 456। तो इस तरह से आपको 2 × 2 डिजिट लेने। कभी आपको 13 × 24 से मल्टीप्लाई करना है, 19 × 22 से मल्टीप्लाई करना। तो इस तरह आपको टू डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लीकेशन सीखना है, 25 तक के नंबर। फिर हम धीरे धीरे 30 तक जाएंगे, 35 तक जाएंगे, 50 तक जाएंगे, वो अलग चीज़ें हैं। बट अभी आपको 2 × 2 पे कमांड करनी है, प्रैक्टिस करनी है 15 मिनट 20 मिनट, ठीक है? तो ये कैलकुलेशन पे आपका सबसे पहला काम है 1 से 25 तक के टेबल पे। दूसरा, आपको 40 तक के स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। लाइक मैं आपको पूछ लूं 39 का स्क्वायर कितना है, तो पता होना चाहिए 15 × 21, समझ रहे हो? इसी तरह 38, 37, इस तरह आपको पता होना चाहिए सारों के स्क्वायर। ये आपको दोनों काम करने हैं कल, ठीक है? और फिर बाकी आगे आपको कैलकुलेशन के टारगेट मिलते रहेंगे, बस आप करते रहना, आपकी कैलकुलेशन भी हम बहुत अच्छी लेवल पे ले जाएंगे। अब मैथ्स के टारगेट पे चलते हैं। देखो, कईयों का मैथ्स का जो डाउट आता है वो ये आ रहा है कि सर हमारा परसेंटेज ही नहीं पढ़ा हुआ। तो यही कहूँगा कि परसेंटेज अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक, आई होप कि परसेंटेज अगर आप एसएससी की तैयारी स्टार्ट किए तो पहला टॉपिक कर लेते हो, तो मैंने उस हिसाब से परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया। तो अगर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे यहाँ डे में चल रहा है, क्वेश्चन चल रहे हैं, या यहाँ आप क्या करो, दोनों जगह आप क्लास कर लो, मतलब दिन की 2 क्लास कर लो अभी, ताकि पहला टॉपिक जल्दी से कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप रिवीजन कर सको। तो दिन की 2 क्लास करके परसेंटेज को जल्दी से जल्दी 7 से 10 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो, यही कहूँगा। जिनका हो चुका है उन्हें आज क्या पढ़ना है, डे वन में हमने फ्रैक्शंस की, डे टू में फेल पास किया, डे थ्री में कंजप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन किए, और आज डे फोर है, उसमें हम क्या करेंगे। तो डे फोर में आपको जो है परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि टिकट की रेट बढ़ गई 20% और टिकट लेने वालों की संख्या जो है वो 10% कम हो गई या 20% बढ़ गई, तो बताओ ओवरऑल इनकम पे कितना इफेक्ट हुआ। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उन पे आपको कमांड करनी है परसेंटेज के डे फोर में, ठीक है? तो परसेंटेज इस टाइप पे आपको क्या करनी है, कमांड करनी है, ठीक है? फिर डे 5, 6 और 7 में अलग अलग टाइप पे हम कमांड करेंगे, बट आज का आपका डे ये है जिसमें आप डे फोर में क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चन पे कमांड करो। प्रैक्टिस जो है वो आपको 151 से 200 तक के क्वेश्चन करने हैं, जिनका परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। जिनका अगर ये नहीं हुआ है तो ठीक है, वो मैथ्स के बजाय इंग्लिश पे आए, इसमें वो क्लास कर सकते हैं और फिर इंग्लिश पे आ सकते हैं। अब इंग्लिश का टारगेट जो है वो तो कोई भी फॉलो कर सकता है, जिसने कुछ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो। तो ग्रामर में नाउन डे फोर है, 7 डेज में आपको कंप्लीट करना था, डे फोर है, ठीक है? ये मैंने डे इसलिए दिया कि मान लो अगर किसी का नहीं पढ़ा हो तो 7 दिन में वो पढ़ सकता है नाउन। इसके लिंक भी हमने अपने ग्रुप में डाल दिए है, जो सीजीएल चॉइस का ग्रुप है उसमें मैंने लिंक भी डाल दिए, जहाँ से आप नाउन टॉपिक जो है कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? तो देख सकते हो, ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा और वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? वोकेबलरी 1 वर्ड जो है हमने 100 से 130 करने हैं और एनडीएम करने हैं 60 से 80, साथ साथ करते रहना। लापरवाही बरत ली तो उसके बाद बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर कवर नहीं कर पाओगे वोकेबलरी को, साथ साथ रख अगर रहोगे तो सब चीज़ें कवर होती जाएगी। तो सबसे पहले जैसा कि मैं कहता हूँ, पहले 20 मिनट रखना आज, ठीक है? पहले 20 मिनट में जो अम्मी ने अभी तक वोकेबलरी में किया है उसको रिवाइज करोगे, उसके बाद चाहे इसमें 40 मिनट लगे 50 मिनट लगे फिर उस पर आओगे। पहले 20 मिनट में बस वो रिवाइज करोगे, मतलब केवल देखोगे जाके, बस वर्ड देख लो कि हाँ इसका मतलब ये, रेप्रीमांड मतलब डांटना है, और मान लो कि ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी है या स्टूबोन है, बस ऐसे ऐसे देखते जाओ,
केवल देखना है, धीरे धीरे जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि बार बार रिवीजन होगा तो सब कुछ चीज़ें याद हो जाएगी। कॉम्प्रिहेंशन पर अगर आए तो आपको क्लोज टेस्ट नंबर 4 करना है, पैराजंबल 30 से 40 नंबर करने हैं, पैराग्राफ आपको 4 नंबर का पैराग्राफ करना है, 3 हम कर चुके हैं, करते रहोगे मेंस तक एक्सपर्ट बन जाओगे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के भी। तो अगर सच में अच्छी उड़ान भरनी है इस बार मेंस में तो लगे रहो। रीजनिंग में देखो सीरीज 60 to 80 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर 60 to 80 क्वेश्चन। देखो धीरे धीरे जब ये टॉपिक हो जाएंगे जिनमें मुझे लगता है कि क्लास की जरूरत नहीं है, तो जो क्लास के से रिलेटेड टॉपिक आएंगे लाइक इनइक्वालिटी आएगी, सीटिंग अरेंजमेंट आएगा, तो उनकी क्लास की लिंक भी जो है मैं आपको देता रहूँगा, बट अभी आपको उसकी नीड नहीं है, आप जो दिया जाए वो करिए। जीके में देखो, जीके में चलते हैं सबसे पहले हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री में हमने सिंधु घाटी सभ्यता तक कर लिया था, आज आपका टॉपिक है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म आप लिख भी सकते हो, कॉपी में नोट्स बना सकते हो बुद्धिज्म के, जिसमें आप लिखोगे कि लाइक बुद्ध से रिलेटेड पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, सबसे पहले ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, उन्होंने पहला भाषण कहाँ दिया था, और उनके जो 4 बोध संगति हुई थी वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। 4 बोध संगति हुई थी राजग्रह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन में, ठीक है, वो आपको चारों याद होनी चाहिए कि किसके शासनकाल में हुई थी। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, इन 4 शासक के काल में 4 जो है वो बोध संगति हुई थी, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, लिख लेना है कॉपी में। स्टैटिक जीके के नेशनल पार्क्स का डे 4 है, 4 डेज में आपको कंप्लीट करने के लिए कहा गया था, तो पहला टॉपिक स्टैटिक जीके का आपका कल कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इट्स नोट्स। और मैं नोट्स जो है आपसे रैंडम किसी से भी मांग सकता हूँ कि नेशनल पार्क्स के मुझे नोट्स भेजो, ताकि चेकिंग हो आपकी। जैसा कि मैंने कहा, ये ग्रुप जो बन रहा है गाइडेंस बेच, मैं क्यों कर रहा हूँ कि आपको मैं बहुत बार पर्सनली कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करूँगा कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे। टेस्ट सीरीज से रिलेटेड टेस्ट नहीं दोगे तो आपको मैं ग्रुप से निकाल दूंगा, तो कई सारी अच्छी चीज़ें होगी, आप टारगेट करिए, ठीक है, और फेथ रखिए, बहुत आगे तक जाओगे। और डे 4 का हमारा ये टारगेट था, अगर डे 3 तक चेक कर लिए हैं तो कमेंट करके बताना कि आपका हो चुका है, ताकि मुझे अपडेटेड रहूं मैं कि आप कहां तक कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये था आज का डे 4 का टारगेट, और ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं डे 5 के टारगेट के साथ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय दोस्तों।